لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے ابھی ویٹنگ روم میں ہیں انتظار کر رہے ارے ہمارا نمبر کب آئے گا ابھی ایک ڈیڑھ گھنٹے کا وقت باقی ہے انتظار کی گھڑیاں بڑی سخت ہوتی ہیں ماشاء اللہ یہ حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے بمبئی ایئرپورٹ میں باقاعدہ لاسٹ میں ویٹنگ روم جو ہوتا ہے ویٹنگ ہاؤس وہاں پر دیکھے حاجیوں کے لیے بورڈنگ پاس بتا کر کھانے کا انتظام رکھا ہوا ہے زبردست کیا زبردست پہنچے حج کمیٹی والوں کو کہاں تک پہنچے دیکھے فری میں ہی کیک ہے اس میں کیلا ہے میں آپ کو بتاؤں گا اس کا ویڈیو السلام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويندو سيت ملي الحمد لله ايرلاين سعودية ايرلاين اچھی ہے اچار کی پیکنگ دے گیا اچار زبردست اسی طرح یہ دہی السلام لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आप लोगों की दुआओं से आफियत के साथ चत्ता एयरपोर्ट पर लैंडिंग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़र बहुत आफियत से रहा, बहुत पुरसकून रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कमेटी वालों को जज़ाए खैर अता फरमाए। देखे बड़े जज्बे और मेहनत और मोहब्बत से हाजियों की खिदमत करते हैं। अब बहुत सारे हाजियों को पता ही नहीं होता है कि भाई यहाँ पर हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से इंतज़ाम बेहतरीन इंतज़ाम है बोर्डिंग पास दिखाने का और यहाँ से बॉक्स से लेकर जाने का। बॉक्स के अंदर दही का डब्बा है, अचार का डब्बा है, चमचे हैं, केला है, केक है, छोटा सा पोहे है, आमलेट है, अंडा है, पानी है, ऑरेंज जूस है। देखे ना इतना सारा माशाल्लाह। तो नाश्ते के लिए आए आइंदा साल वाले 2025 वाले, तो वो लोग से गुजारिश करता हूँ कि इस सुविधा का फ़ायदा उठाए। अस्सलाम वालेकुम। देखिए आज बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली जब हम लोग जद्दा एयरपोर्ट पे उतरे। इमिग्रेशन होने के बाद तरह से हर मरतबा हाजियों के लिए और उम्रा करने वालों के लिए सबसे पहले सामान के लाइन में जाके लगना पड़ता है। एक चैन घूमती है और अपने बैगों की तरफ देखते हैं कौन सी बैग है, फिर उसको उठाते हैं। एक मशक्कत का काम है। मस्तूरात भी लाइन में लग जाते हैं, जेंट्स भी लाइन में लग जाते हैं और बैग एक दो नहीं होते, ज़्यादा होते हैं। सामान का ध्यान देना एक मशक्कत का काम है। लेकिन आज हमको एक चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सहूलत वाली नज़र आई कि इन लोगों ने कहा कि आप बेफिक्र होके जाइए, आपका सामान आपके होटल पे मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। और इतने राहत से, इतने आफियत से हम लोग बैठे हुए, सुकून से बैठे हुए, उनको सामान का टेंशन हमारे दिमाग पे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इससे एक और उमरा के जो टूर वाले जो होते हैं, टूर चलाते हैं, लोगों से कहना चाहता हूँ भाई, मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है, भाई थोड़ा सा पैसा कम कमा ले, लेकिन जो उमरा को लेके जाने वाले लोग जो होते हैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें और राहतें पहुँचाने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखे भाई पहली दफ़ा हाजियों को जिद्दा एयरपोर्ट से मक्कतुल मुकर्रमा के लिए मेट्रो ट्रेन में ले जाया जा रहा है और हम वो खुशनसीब हाजी हैं कि जिनको ये सहूलत अल्हम्दुलिल्लाह मुयसर हो गई। अल्लाह आप लोगों को भी इस सफ़र में आसानियाँ मुहैया फरमाए। मेट्रो ट्रेन मेट्रो ट्रेन बैठो बैठो हजियों के लिए सीटम बन लू इतने बड़े प्लेन में नहीं है। हाँ फिर जद्दा एयरपोर्ट पे मेट्रो ट्रेन का स्टेशन इतना खूबसूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। गालिबन ये सिर्फ हाजियों के लिए ही खोला गया है। आम दिनों में उमरा वालों के लिए बसों की सर्विस होती है और इस मरतबा हाजियों के लिए मेट्रो ट्रेन की सर्विस है जद्दा एयरपोर्ट से मक्कतुल मुकर्रमा के। हालांकि इससे पहले ऐसा नहीं था। एक बहुत खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह। मेट्रो ट्रेन में बड़ी सूरत है। इमरान भाई सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जा रहे हैं हरमैन शरीफ की तरफ इंशाल्लाह।
بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله بالآخر انتظار की घड़ी ख़त्म हुई और अब हमारी ट्रेन मक्कतुल मुकर्रमा के लिए रवा दवा है, उस शहर की तरफ रवा दवा है जिस शहर से सारी दुनिया के ईमान वालों के दिल जुड़े हुए हैं। ये मक्कतुल मुकर्रमा का मेट्रो स्टेशन के पास बाहर निकलने के बाद ब्लॉक टावर देखो क्या बेहतरीन नजर आ रहा है। दाई तरफ मस्जिद, क्लॉक टावर की खसूसियत यह है कि मक्कतुल मुकर्रमा की किसी भी जानिब से अब आपको वो क्लॉक टावर नजर आएगा। हज कमेटी वालों की तरफ से हाजियों को जो चीज़ें मिलती है हज हाउस में उसको ध्यान से ले ले, चेक करके ले ले, क्रॉस चेक करे कि भाई सारी चीज़ें आ तो नहीं गई। सबसे पहले तो देखिए ये आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, इसके अंदर कवर नंबर होता है, उसके बाद नाम होता है, फिर बोर्डिंग डेट ऑफ बर्थ होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट कौन से ज़िले के रहने वाले हैं आप, कौन से स्टेट के रहने वाले, महाराष्ट्र के, बंगाल के, कहाँ के रहने वाले। इसी तरह इसके पीछे जो है ना, इसी आइडेंटिटी के पीछे, ये आइडेंटिटी संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है, आइडेंटिटी कार्ड इसके पीछे पूरी डिटेल होती है, यानी पासपोर्ट का नंबर होता है अपने, ये आपको उल्टा नज़र आएंगे, ये पासपोर्ट का नंबर है। इसी तरीके से बिल्डिंग नंबर है 252 बिल्डिंग नंबर, क्योंकि बहुत सारे हाजियों को बिल्डिंग नंबर याद रहेंगी तो रिक्शा, यहाँ तो रिक्शा चलती नहीं है, टैक्सी वाले हैं, बसें वाले हैं, वो आपको अपने मंजिल तक पहुँचाएंगे। इसी तरह रूम नंबर है 103। तो ये आइडेंटिटी कार्ड अपने गले में लटका के चलना है, इसी तरह इसकी हिफाजत करना है। और दूसरे नंबर पर जो चीज़ मिलती है, ये अब नया शुरू हुआ है नुसुख कार्ड, ये नुसुख बेल्ट है, वाटर प्रूफ है, पानी में कुछ नहीं होता इसको, इसके स्कैन करने के बाद हमारी सारी डिटेल, हाजी की सारी डिटेल उसमें आ जाती है। तीसरे नंबर पर यह कड़ा है, इस कड़े के अंदर कवर नंबर है, इसी तरह पासपोर्ट नंबर है, और हमारा नाम है, और हम किस कंट्री के हैं, इंडिया के हैं और या दूसरे मुल्क के हैं, ये सारी डिटेल इस कड़े में रहती है। और चौथे नंबर पर पासपोर्ट, पाँचवें नंबर पर वीज़ा, छठे नंबर पर बोर्डिंग पास, टिकट वगैरह, और सातवें नंबर पर बैगों को लगाने के लिए भी एक बेल्ट होता है, एक क्लिप होता है जिसमें पूरी डिटेल हमारी लगी हुई होती है, तो लेने के बाद बैगों को लगा देना, गिन कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें लेते वक्त हमें देख कर लिया करें। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुह। हाजियों का सबसे बड़ा अमल क्या है मालूम आपको? सब्र। बम्बई अपने घर से लेकर अपने होटल तक, अपने वतन के घर से लेकर
मक्का अल मुकर्रमा के होटल तक सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा अमल सब्र। और उसके बाद भी पूरे सफ़र में जिसके पास सब्र वाला अमल होगा इंशाल्लाह वो कभी परेशान नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर सारी सहूलतें रहने के बावजूद जो ठहरे रहना है, बहुत सारे तकाजों को रोक कर, भूख लगी है, प्यास लगी है, इसी तरह इस्तिंजा वगैरह है, तो लिहाजा हाजियों से मेरी गुजारिश है कि सब्र करते रहिए, बर्दाश्त करते रहिए, दरगुजर करते रहिए, इंशाल्लाह सफ़र आपका आफियत से कटेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। माशाल्लाह देखे, इन्हें देखकर हमें हमारे फर्जंद मोहम्मद की याद आ रही है। इनका ना आपका नाम मोहम्मद, मोहम्मद उमर, माशाल्लाह नन्हे मुन्ने हाजी साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके उम्र में बरकत अता फरमाए और इनके ज़रिए से अल्लाह दीन का बहुत 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 काम ले लें। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये पूरे इसके अंदर विंग में एक किचन, ये है किचन भी बहुत खूबसूरत माशाल्लाह है। देखिए ये चार सीढ़ी वाला, चार सीढ़ी वाला यस टेबल, फ्रिज भी माशाल्लाह है अल्हम्दुलिल्लाह। ये पानी का इंतजाम है, अंदर भी छोटा सा किचन है और सामान रखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अब अजीज़िया अपने होटल पर पहुँचे हैं। इंशाल्लाह बाद में मैं दूसरे वीडियो में अजीज़िया के होटल का पूरा नक्शा आप लोगों को बताऊंगा, शेयर करूंगा। यहाँ से लिफ्ट से फर्स्ट फ्लोर ही हमको मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद या राइट साइड अंदर दाखिल हो गए, फिर राइट साइड बहुत सारे कमरे हैं। देखो ये माशाल्लाह, ये 101, ये 105, ये 104, ये 103, माशाल्लाह बेहतरीन। अल्लाह का सबसे पहले शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़ीज़िया में मक्कतुल मुकर्रमा में रहने के लिए बेहतरीन रूम अता किया। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمد الله ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أي الله رب العزة بہت بے انتہا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزة نے مجھ جیسے ناچیز کو اپنے گھر کے دیدار کے لیے قبول فرمایا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے سفر کی آسانی اور قبولی کے لیے دعا فرمائیں۔ اس طرح سے پچھلے چند ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بہت ساری باتیں شیئر کی تھی کہ سفر میں کیا کیا لینا ہے، کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور کون سے سامان کون سے بیگوں میں ڈالنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے پچھلے ویڈیو میں آخری جو ویڈیو ہے اس کے اندر یہ بھی دیکھا ہوں گا، ہم اپنے وطن سے کرمالا وہاں سے روانہ ہوئے، مسجد کے اندر گئے، وہاں سے پھر اس کے بعد ممبئی آئے۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے اپنی آج دن بھر کی کارگزاری یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا دن الحمدللہ بہت ہی عافیت بھرا رہا، عافیت کے ساتھ ممبئی میں پہنچے، دوست احباب سے ملاقات کی، رشتہ داروں سے ملاقات کی، اور اب ممبئی میں بھنڈوپ شہر کے اندر ہمارے بڑے بھائی صاحب کا سسرال ہے، یہاں پر آرام کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی تو رات میں 3 بجے ایئرپورٹ کے لیے نکل جائیں گے۔ آپ دعا فرمائیں گے سب آسانی کے ساتھ سارے مراحل طے ہو جائیں۔ لہٰذا آپ لوگوں کے سامنے ایک بات شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ اس طرح سے دیکھیں ممبئی ایئرپورٹ پر آنے سے پہلے بہت سارے حضرات کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ پر آنے سے پہلے جو حضرات کمیٹی سے حج کو جانے والے ہوتے ہیں ان کو حج ہاؤس میں جا کر گئے وہاں سے اپنے پاسپورٹ، ویزا، بورڈنگ پاس وغیرہ کلیکٹ کرنا ہوتا ہے، حاصل لینا ہوتا ہے۔ اس کے لیے اگر کسی کے پاس وقت ہے جو جانے والا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وقت نہیں ہے تو اپنے رشتہ دار یا دوست احباب میں سے کسی کو وہ حج ہاؤس میں بھیج کر وہ ساری چیزیں وقت سے پہلے لے سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک ضروری چیز، شرط یہ ہے کہ جو کور ہیڈ ہوتا ہے جس کے نام پر کور بنایا گیا ہے، جس کے نام پر فارم بھرا گیا ہے، وہ کور ہیڈ کی طرف سے باقاعدہ پرمیشن لیٹر
लिखा जाएगा, उसके ऊपर वो अथॉरिटी लेटर देगा, वो लेटर सामने वालों हजार उसके अंदर जमा करना होगा, उसके बाद ही आपको दिया जाएगा। लेकिन वक्त से पहले ये सारी चीजें जमा कर लो। हस्टर ट्रेनिंग के अंदर सईद भाई हमारे पूना शहर के अंदर अल्लाह उनको खैर अता फरमाए, बहुत ही बारीक से बारीक चीजें उन्होंने बताई। बहुत सारे हजरात क्या करते हैं, हज हाउस में जाते हैं और वहां जाकर पासपोर्ट वीजा सारी चीजें ले लेते हैं। लेकिन लेने के बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रेन का सफर करते हैं, लोकल का सफर करते हैं, कभी बसों का सफर करते हैं। उन्होंने कहा कि 200-300 रुपए ज्यादा जाते हैं चलेगा, लेकिन अपने मकाम पर एयरपोर्ट पे आने के लिए या जिस जगह पर ठहरे हैं उस जगह पर आने के लिए अगर आपको टैक्सी करना पड़ती है तो करो, इसलिए कि आपके पास जो सामान है बहुत ही कीमती सामान है, बहुत ही कीमती चीज है। 200 रुपए ज्यादा जाएंगे चलेगा, इसलिए कि कई मरतबा हाजियों की ऐसी शिकायतें आई है, ऐसी कारगुजारियां सुनने में आई है कि बैग पासपोर्ट की बैग लेकर निकले हैं, लोकल ट्रेन में चढ़े हैं, वो बैग रह गई या किसी ने चुरा ली या वो गुम हो गई। तो देखिए इतना ऊंचा सफर, थोड़ी सी गफलत की वजह से हम इतने ऊंचे सफर से महरूम रह जाएंगे। तो लिहाजा वक्त से पहले ये सामान खरीदने की कोशिश करें। दूसरी बात, आज का हमारा दिन हमारे बहुत ही मदरसे के जमाने के असीस दोस्त मौलाना उस्मान और मौलाना सगीर साहब मेरी मुलाकात के लिए आए हैं। मैं उन लोगों से सबसे दिल की गहराइयों से जजाय खैर उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं जजाय खैर की दुआएं देता हूँ कि वो लोग मुझसे मुलाकात करने के लिए अपना कीमती वक्त सर्व करके आए हैं। और ये मदरसे के ज़माने के जो दोस्त होते हैं ना, ये जिंदगी भर ये दोस्ती बाकी रहती है, इसलिए कि वो वक्त बड़ा कीमती होता है। 24 घंटे साथ में रहना है, माँ नहीं, बाप नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, रिश्तेदार कोई नहीं, सब कुछ को छोड़कर मदरसे की एक अलग दुनिया में जिंदगी गुजार रहे होते हैं। और ऐसे वक्त में कोई दूसरे इलाके का है, कोई दूसरे इलाके अलग अलग शहरों से आकर बस जाते हैं और ऐसी दोस्ती हो जाती है कि दोस्ती जिंदगी भर बाकी रहती है और याद रहती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ये दोस्ती हमारी जिंदगी भर बाकी रखे और कयामत के दिन भी जन्नत के अंदर हमको साथ में अल्लाह रब्बुल इज्जत रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ये हमारे भाई मोहम्मद नवाज, हमारी दोनों की फ्लाइट आगे पीछे हो गई थी 1.5 घंटे से और बिल्डिंग भी हमारी अलग अलग हो गई। इनकी 144 नंबर की बिल्डिंग है और हमारी 252 नंबर की बिल्डिंग है। सफ़र तो बहुत आफियत वाला रहा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बिल्डिंग के एतबार से हम जुदा हो गए। खैर, लेकिन इंशाअल्लाह मिलते रहेंगे, मुलाकातें करते रहेंगे। ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5 किलोमीटर का फासला कुछ है, तकरीबन 144 और 252 नंबर बिल्डिंग के बीच में। अब यह और हमारे दूसरे साथी अब्दुल हमीद भाई वो सफ़र में है, इंशाल्लाह कल बैठेंगे फ्लाइट से। सफ़र कैसा रहा नवाज भाई? हमारे नबी के शहर में आकर कैसा लगा? अभी उमरा बाकी है, काबतुल्लाह का दीदार बाकी है, इसलिए कि ट्रेनिंग में भी हमको समझाया गया था और ये बहुत अच्छी और सही बात है कि जब आप इतना लंबा सफ़र कर जब हरमैन शरीफ़ैन में जब आते हैं, पहुँचते हैं, तो सबसे पहले जज्बात का शिकार नहीं होना है, देखना है कि भाई हमारी बॉडी क्या कहती है। अगर थकावट का शिकार है, तकलीफ़ का शिकार है, नींद मांग रही है, आराम मांग रही है, तो उसको सबसे पहले नींद और आराम दे, उसके बाद बिल्कुल हशाश और बशाश होकर काबतुल्लाह की तरफ, हरम शरीफ की तरफ निकलो और बहुत ही हशाश और बहुत ही चुस्त अंदाज के अंदर काबतुल्लाह का तवाफ़ करना है, सफ़ा मरवा की सही करना है। इंशाअल्लाह हमने ये तय किया हुआ है कि ईशा की नमाज के बाद रात में इंशाअल्लाह 11-12 बजे के वक्त में उमरा के लिए निकलेंगे और फिर सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के वहाँ से हरम से अपने होटल पर आ जाएंगे। आपके लिए भी दुआ करेंगे, आप भी हमारे लिए दुआ कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।